नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इतिहास या हिस्ट्री से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में याद रखिए, इस तरह से कह लीजिए कि ये हिस्ट्री का निचोड़ है, ठीक है। इसी तरह से आपके वनडे एग्जाम जो भी होंगे इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। 500 तक हम लोग देख चुके थे, 501 से हमें बात करनी है। 501 वा क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है, तो आपको बता देना है जैनुल अबिदीन, ए बी ऑप्शन सही है। 501 बी में क्या है, बी। क्वेश्चन हमारा दूसरा, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो याद रखना तुंगभद्रा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। क्वेश्चन है हमारा चार, विजयनगर का पृथक शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन है पांच, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ओली कुतुब शाह ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवां, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा आपका हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा सात, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय आपका कर्नाटक में है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा आठ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी जो आपका मंदिर है मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन है आपका नौवा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी या खलजी। क्वेश्चन है दस, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? गियासुद्दीन बलबन। क्या था? गियासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये था आपका तुगलक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 12, जवाबित थे राज्य कानून। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए है। क्वेश्चन है हमारा 13, किसने सल्तनत काल में पिछले डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो ये था इब्न बतूता, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है हमारा 16, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है हमारा 17,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, समतावादी। क्वेश्चन है हमारा 18, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन है हमारा 19, सिंधु सभ्यता में बेहद स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन है 20, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चिंतांकन मिलता है? तो आदि शिव। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 21, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 22, पिथिहार वंश का महानतम राजा कौन था? पिथिहार वंश का महानतम राजा था वत्सराज। जो आपका जलियावाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, ये आपका कहाँ हुआ था? तो आपको बता देना है अमृतसर में। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो ये थी दालें। क्वेश्चन है 25, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये था लाल। क्वेश्चन है हमारा 26, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था अपना सतलज के। क्वेश्चन है हमारा 27, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन है 28, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। क्वेश्चन है हमारा 29, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? तो ये आपकी चिकित्सा से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा 30, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसमें है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 31, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवा। नौवा मंडल आपका पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन है हमारा 32, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी को माना गया है। क्वेश्चन है हमारा 33, वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका इंडिका। क्वेश्चन है हमारा 34, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। क्वेश्चन है हमारा 35, निम्नलिखित में से किस मौर्य मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 36, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो आपको बता देना है 7, 7। क्वेश्चन है हमारा 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये आपका श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान था, कलिंग था, बिहार था। तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 38, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? कौन था ये शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। 38 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 39, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 39 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 40, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में से वर्णन हुआ है वह है? विशाखा दत्त। 40 में आपका डी है, क्या है? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 41, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था मौर्यों के अधीन? क्वेश्चन नंबर 41 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ये था आपका कनिष्क। क्वेश्चन है 43, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये आपकी भारत और ग्रीक शैली। बी ऑप्शन सही है 43 में। क्वेश्चन है 44, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45, सर्वप्रथम रोम के साथ साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो यह है तमिल और चेरों का। क्वेश्चन है हमारा 46, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो यह अश्वघोष। 46 में आपका बी है। क्वेश्चन है 47, किस संगीत संगम विभिन्न राज्य के संरक्षण में तैन संगमों का आयोजन किया गया? तो ये था आपका पांडव। क्वेश्चन है हमारा 48, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो ये था आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा 49, कवि जो आपके कालिदास हैं किसके राजकवि थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं। क्वेश्चन है 50, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था आपका नालंदा। क्वेश्चन है 51, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त से। क्वेश्चन है 52, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो
तो ये था गुप्त। 52 में आपका क्या है? सी ऑप्शन सही। बात करते हैं 53वें क्वेश्चन की। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख आपका मिलता है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से क्वेश्चन है हमारा 54। हितोपदेश के लेखक हैं कौन? है नारायण पंडित। सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 50-55। नाट्यशास्त्र शास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये थे आपके भरत मुनि। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 57। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। जो पुरापाषाण था उस समय आदि मानव अपना मनोरंजन किस साधनों से करते थे? तो शिकार करके ये अपना मनोरंजन करते थे। क्वेश्चन है हमारा 58। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 58 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 59। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रोमैग्नन मनुष्य। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। 61 क्या है क्वेश्चन? 61 संगम निम्न में से किससे संबंधित है? संगम निम्न में से किससे संबंधित है? विद्वानों से। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 62। पूहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो ये था आपका करिकाल। कौन था? करिकाल। क्वेश्चन है हमारा 63। गुप्त क्वेश्चन है 63। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 64। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो ये हैं आपके कार्तिकेय। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 65वां क्वेश्चन। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये था आपका ताम्रलिप्ति। लिप्ति डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 66वें क्वेश्चन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। 66 में आपका ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 68 क्वेश्चन की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 69। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये थे आपके गुप्त वंश के शासक।
बात करते हैं 70 क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम लोग 71 क्वेश्चन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कौन सा? नालंदा। उत्तर गुप्त काल में जो स्कूल प्रसिद्ध हुआ था विश्वविद्यालय वो था आपका नालंदा। ठीक है, क्वेश्चन है 72। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो ये था आपका भानुगुप्त। पहले भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस देख चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा 73। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। 73 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 74। फायान कहाँ के निवासी थे? फायान ये आपका चीन का निवासी था। क्वेश्चन है हमारा 75। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो याद रखना गुप्त काल में। क्वेश्चन है हमारा 76। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार। क्वेश्चन है हमारा 77। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? तो ये था हुएन हुएन तेसांग। 77 में आपका डी है। क्वेश्चन है 78। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ये था आपका शशांक। बात करते हैं 79 क्वेश्चन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का आपका कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण शहर था। 79 में आपका डी है। क्वेश्चन है 80। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये था बाणभट्ट। क्या था? ए ऑप्शन सही, बाणभट्ट। बात करते हैं 81 क्वेश्चन। क्या है? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त। डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 82 क्वेश्चन। कन्नौज को सर्वप्रथम महता महत्व प्रदान करने वाले थे? तो ये थे आपके मौखरी। क्या है? सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 83वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये था आपका हर्षवर्धन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 84। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 85। बड़ा इमामवाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये था आपका भास्कर। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ये आपका बीड़ा, बीना, बीड़ा। क्वेश्चन है हमारा 88। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का आप प्रतिम उदाहरण है स्थित है ये आपका दतिया में। कहाँ है? दतिया में, MP में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 89। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको बता देना है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन है 90। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किस जिसने अंग्रेजों के
भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया कर दिया था, ये था बक्सर का युद्ध। ए ऑप्शन सही है 90 में। बात करते हैं हम लोग 91 क्वेश्चन की। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 52वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था अरब। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 93, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दो। क्वेश्चन है हमारा 94, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये थे आपके चालुक्य। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 95, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। क्वेश्चन है हमारा 96, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र। क्वेश्चन है हमारा 97, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। शैव धर्म को। क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास। क्वेश्चन है 99, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूटों ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 600, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकित पर्याय है चतुर्भुज। सी ऑप्शन सही है 600 के क्वेश्चन में। चलिए तो ये थे हमारी 600 क्वेश्चंस तक। 601 क्वेश्चन से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।